Hello everyone, this is Deepak Malviya from Department of Civil Engineering under the SAGE group. So today we are going to discuss about the design of earth retaining structure or retaining wall. So first of all, what is retaining wall or earth retaining structure? A retaining wall is a structure designed and constructed to resist the lateral pressure of soil when there is a desired change in the ground elevation that exceeds the angle of repose of the soil. The wall must resist the lateral pressure generated by the loose soil, or in some cases, water pressure also. Or in the second definition, retaining wall are relatively rigid walls used to supporting soil laterally so that it can be retained at the different level. The two sides, retaining wall, are the structure designed to the restrain soil to a slope that it would not naturally keep to. Typically as steep near the vertical or vertical slope. Means retaining wall is the structure, RCC structure or PCC structure, which resists the lateral pressure due to the soil, or retain the loose material or retain the soil. Like when change in ground level, consider करते हैं, मान लीजिए ये कोई एक हिली एरिया है, ये कोई हिली एरिया है, यहाँ पे आपकी वैली है, ये आपकी वैली है, साइड भी आपकी वैली, और आपको इस हिली एरिया में यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस हिली एरिया को कट करेंगे. और कट करने के बाद जब यहाँ पे आप रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जब रोड के लिए यहाँ पे मटेरियल को डंप किया जाएगा, तो ये मटेरियल के ऊपर जब व्हीकल्स की वजह से लोड आएगा, तो ये मटेरियल आपका स्लिप होके इस तरफ गिर सकता है. इसी तरीके से यहाँ से ये मटेरियल स्लिप होगा और इस तरफ गिरेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ का ग्राउंड लेवल नीचे है और यहाँ का ग्राउंड लेवल ऊपर. तो आप इस मटेरियल को रिटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल बना देते हैं. इस तरीके से यहाँ पे वॉल बना देंगे, और इस तरफ भी आप क्या करेंगे, एक साइड भी आप एक वॉल बना देंगे. तो ये वॉल क्या करेगी कि जब सॉइल जो है यहाँ पे जो मटेरियल है, ये मटेरियल इस तरफ जाना चाहेगा, तो उसको रिटेन करेगी, इस तरफ आने से रुकेगी. सो ये जो वॉल है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो सकती है, या आपका अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो मटेरियल को रिटेन कर. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम जब बेसमेंट बनाते हैं किसी बिल्डिंग में, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, बेसमेंट बनाने के लिए ग्राउंड लेवल को नीचे तक एक्सकेवेट करते हैं. तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल था पहले, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है आपका कहीं पे, और आपको बेसमेंट बनाना है बिल्डिंग, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये प्लॉट था, ये वाला प्लॉट है आपका, इतना प्लॉट, तो आप यहाँ के एरिया को क्या करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे कुछ डेप्थ तक, बेसमेंट बना रहे. जब आप इधर इसको एक्सकेवेट करेंगे, जब आप इसको एक्सकेवेट करेंगे, तो ये लेवल पे तो आपने एक्सकेवेशन नहीं किया, तो ये ग्राउंड लेवल तो यही रहेगा, बट यहाँ एक्सकेवेशन करने की वजह से आपका जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे आ जाएगा यहाँ. अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इस एरिया में किसी भी वजह से कोई लोड आता है, किसी भी वजह से कोई साइड में कोई रोड बना हुआ है या कोई दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी वजह से लोड आएगा, तो ये यहाँ की ये सॉइल है, ये पूरी सॉइल है यहाँ पे, ये पूरे में सॉइल भरी हुई है, पूरा ग्राउंड लेवल के नीचे क्या होता है, सब सॉइल होता है, सब कोई ना लूज मटेरियल होता है, ये पूरा सॉइल है, तो ये सॉइल जो है वो आपका इस तरफ आ सकता है. तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी आरसीसी की वॉल ही बनाते हैं, जो ग्राउंड लेवल बनाते हैं या जो बेसमेंट बनाते हैं बिल्डिंग में, तो यहाँ भी ये जो वॉल बनती है ये आरसीसी की बनती है, और ये वॉल जो है ये भी क्या करेगी, यहाँ की जो मटेरियल है इनको रिटेन करेगी. सो ये भी एक रिटेनिंग वॉल है, और ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर. तो ऐसे कई टाइप की रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाती हैं इन द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, और फिर उनको ही हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या रिटेनिंग वॉल कहते हैं. सो अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन होपफुली सभी को क्लियर हो गई होगी. अब बात करते हैं, यहाँ पे एक कुछ फोटोग्राफ्स मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए, जिसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है ये ज्यादा है, यहाँ पे ये पूरा मिसाइल बना हुआ है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और यहाँ का ग्राउंड लेवल आप देख सकते हैं ये नीचे है. तो ये जो सॉइल भरी हुई है, ये से स्ट्रक्चर है, ये सॉइल यहाँ से नीचे ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वॉल बनाई. तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन मैसनरी से बनी हुई है.
कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आरसीसी से बनाएं, आप स्टोन का यूज करके भी बना सकते हैं मैसनरी वॉल। तो ये स्टोन मैसनरी वॉल है, तो ये भी एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो उस साइड के सॉइल को रिटेन करता है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी ये जो बनी हुई है ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रिटेनिंग स्ट्रक्चर। उस तरफ आप देख सकते हैं ये जो पेड़ वगैरह लगे हैं वहाँ पे सॉइल भरा होगा, वो सॉइल इस रोड पे ना जाए इसके लिए हमें ये आरसीसी की वॉल बनाई है, यहाँ पे भी आरसीसी की वॉल बनाई है, ये भी एक रिटेनिंग वॉल है जो उस साइड से आने वाले सॉइल के प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये भी एक आपका जो है वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा। अब इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें एक रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे भी एक ये रिटेनिंग वॉल बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ पाइप्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए, इसलिए कि अगर आपका जो सॉइल है उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी है और उसमें वाटर का भी सीपेज आता है, तो जो वाटर है उसको निकालना पड़ेगा और उसका भी प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। तो वाटर को निकालने के लिए हम लोग इस टाइप के जो है वो होल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और पाइप वगैरह प्रोवाइड करते थे, जिससे जो उस तरह पानी अगर होगा तो पानी इन पाइप के थ्रू जो है वो सॉइल में से बाहर निकल के आ सके, अदरवाइज जो प्रेशर है वो ज्यादा जनरेट होगा जिससे वजह से आपके स्ट्रक्चर में फेलियर्स भी बन सकते हैं। इधर ही पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपने ये रिटेनिंग वॉल का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे ये पूरा रोड वगैरह बना हुआ है, आप यहाँ पे बेसमेंट बना रहे हैं बिल्डिंग का, तो ये रोड का मटेरियल इस तरफ ना आ जाए इसलिए यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, ये आरसीसी से बनेगी, ये क्या करेगी इस तरफ के मटेरियल को रिटेन करेगी, तो ये भी एक रिटेनिंग वॉल है। सो ये बेसमेंट के लिए मैंने डिफरेंट कंडीशन आपको बता दिया। अब मैं यूजेस ऑफ रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो यूजेस की अगर मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ पे रिटेनिंग वॉल का यूज किया जाता है, तो यूजेस ऑफ रिटेनिंग वॉल में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो मैंने आपको एरिया का एक एग्जांपल दिया था कि आप रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है जहाँ पे ग्राउंड लेवल में चेंज आता है, तो वहाँ पे हम लोग रिटेनिंग वॉल को यूज करते हैं। एंड द सेकंड इज बिल्डिंग बेसमेंट में भी हम लोग रिटेनिंग वॉल को यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग का अगर बेसमेंट बनाना है वहाँ भी हम लोग रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं। स्विमिंग पूल की अगर बात करें तो वहाँ पे भी स्विमिंग पूल बनाने के लिए सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, तो उसमें पानी भरा रहता है तो अंदर से पानी को रिटेन करती है और उस तरफ से सॉइल को रिटेन करती है, तो वो भी एक रिटेनिंग है। ब्रिज के अपार्टमेंट वगैरह में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल का यूज करते हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बेसमेंट, स्विमिंग पूल एंड ब्रिज अपार्टमेंट एक्सेट्रा कंडीशन में हम लोग ये यूज करते हैं। अब तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल की। सो कितने टाइप की रिटेनिंग वॉल्स होती है, तो यहाँ पे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। यहाँ पे चार टाइप की रिटेनिंग वॉल हम बेसिकली डिजाइन करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेकंड इज कैंटिलीवर वॉल, थर्ड इज काउंटरपोर्ट वॉल एंड फोर्थ इज बट्रेस वॉल। फोर टाइप्स की वॉल यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, फर्स्ट ग्रेविटी, सेकंड कैंटिलीवर वॉल एंड द थर्ड इज काउंटरपोर्ट वॉल एंड द फोर्थ इज बट्रेस वॉल। फोर टाइप्स की वॉल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ग्रेविटी वॉल क्या होती, सो ग्रेविटी वॉल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आर द वॉल विच यूज देयर ओन वेट टू रेजिस्ट द लैटरल अर्थ प्रेशर। द मेन फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आर द वर्टिकल फोर्सेज फ्रॉम द वेट ऑफ द वॉल, द लैटरल अर्थ प्रेशर एक्टिंग ऑन द बैक फेस एंड द सेस्मिक लोड। दैट मीन ग्रेविटी वॉल क्या होता है, ग्रेविटी वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी वॉल जो बनाया जाता है वो स्टोन मैसनरी या ब्रेक मैसनरी या पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट से बनाया जाता है, ये आरसीसी से नहीं बनाया जाता, बिकॉज ग्रेविटी वॉल का जो मेन स्ट्रेंथ होता है वो उसका सेल्फ वेट होता है। जो भी आप मटेरियल को रिटेन कर रहे हैं वो जो मटेरियल है वो जो सॉइल का प्रेशर वहां से लगेगा उसको रजिस्ट करने के लिए इसका जितना ज्यादा सेल्फ वेट होगा ये उतने ज्यादा सॉइल के प्रेशर को रिटेन करेगा। दैट मीन इसका सेल्फ वेट जितना ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो इसके सेल्फ वेट को बढ़ाने के लिए हम इसको आरसीसी से नहीं बनाते, बिकॉज वी नो कि अगर आरसीसी का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें स्टील लगाते हैं जिसकी वजह से उसका सेल्फ वेट कम हो जाता है बट स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन जब वो बैंडिंग का केस होता है, शेयरिंग का केस होता है, तब की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ वेट से मटेरियल को रिटेन कर रहे हैं, तो सेल्फ वेट के लिए अगर आप पीसीसी से बनाते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट से सेल्फ वेट ज्यादा आता है, स्टोन मैसनरी का यूज करते हैं तो सेल्फ वेट ज्यादा आता है, तो यहाँ पे सेल्फ वेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको स्टोन मैसनरी पीसीसी से बनाते हैं ना कि आरसीसी से बनाते हैं, ब्रेक मैसनरी से भी आप बना सकते हैं। तो ये जो वॉल होती है जो अपने सेल्फ वेट से मटेरियल को रिटेन करती है उसे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल बोला जाता है, जो कि इकोनॉमिकल है अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इकोनॉमिकल है अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर तक की आप ये इकोनॉमिकल है, अगर 3 मीटर से ज्यादा बनानी है तो ये आपको अनइकोनॉमिकल पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर वॉल, सेकंड इज कैंटिलीवर वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल आर द कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, दे कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली थिन स्टेम एंड द बेस स्लैब, द बेस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हील एंड टो। The heel is the part of the base under the backfill. The toe is the other part of the face.
मीन्स कैंटिलीवर जो वॉल होती है इसका नाम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। इसका हर जो पार्ट होता है वो कैंटिलीवर की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल मेंबर है इसको बेसिकली स्टेम कहा जाता है। ये जो वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर, ये कैंटिलीवर पोर्शन है, यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिक्स किया गया। इसी तरीके से नीचे जो है वो पूरा बेस स्लैब है। इस बेस स्लैब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कितने पार्ट की, तो इसको टो कहा जाता है, और इसके बाद अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ तो इसको बेसिकली हील कहा जाता है। तो नीचे जो आपका एक पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं शियर की। ये स्लाइडिंग के लिए आपके काम में आती है और स्ट्रक्चर को स्टैंड प्रोवाइड करती है अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो इसके तीन पार्ट होते हैं कैंटिलीवर वॉल में। फर्स्ट इज स्टेम जो वर्टिकल मेंबर है, राइट साइड में जो होता है हील होता है, और लेफ्ट में जो होता है टो होता है। और सारे पार्ट इसके कैंटिलीवर है क्योंकि यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ से ये फिक्स है, तो ये भी कैंटिलीवर हुआ। यहाँ से ये फ्री है, यहाँ से ये फिक्स है, तो ये भी कैंटिलीवर हुआ, ये भी कैंटिलीवर हुआ, इसी तरीके से ये भी कैंटिलीवर हुआ। इसलिए इसको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। और ये बेसिकली आरसीसी से बनाई जाती है क्योंकि ये बाइंडिंग के बेसिस पे लोड को रेजिस्ट करती है। एंड दिस इज इकोनॉमिकल अप टू हाइट ऑफ 7 मीटर। 7 मीटर मतलब 3 मीटर तक अपन ग्रेविटी वॉल बनाते हैं, 3 मीटर से ज्यादा बनाता है तो बनाना है तो हम कैंटिलीवर वॉल पे जाते हैं, लेकिन ये भी इकोनॉमिकल है 7 मीटर तक, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर अब मैं बात करता हूँ 7 मीटर से ज्यादा हाइट की अगर आपको वॉल बनानी है तो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर प्रोवाइड कर दें काउंटर फोर्ट रेटिंग वॉल अगर 7 मीटर से ज्यादा बनानी। काउंटर फोर्ट वॉल ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कैंटिलीवर वॉल की तरह, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि क्योंकि अब हमें हाइट ज्यादा चाहिए और आपका जो वर्टिकल मेंबर स्टैम है वो कैंटिलीवर पोर्शन है, तो अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो इसकी थिकनेस मुझे बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से थ्रू आउटली जितनी भी लेंथ की मैं वॉल बना रहा हूँ थिकनेस मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें मटेरियल ज्यादा लगता है और अनइकोनॉमिकल हो जाती है। तो इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी थिकनेस तो कम ही रखते हैं, लेकिन अगर थिकनेस कम रखेंगे तो फिर ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें कुछ अलग से मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको काउंटर फोर्ट कहा जाता है। जैसे ये एक जो मेंबर, ये काउंटर फोर्ट है, ये जो प्रोवाइड किया गया है ये काउंटर फोर्ट मेंबर। ये एक ट्रायंगुलर मेंबर होता है जो यहाँ से आरसीसी का होता है, ये पूरा यहाँ से कनेक्ट होता है स्टेम से, और यहाँ से ये पूरा सॉलिड होता है, यहाँ ये बेस स्लैब से कनेक्ट होता है, ये यहाँ पूरा कॉन्क्रीट से बना, इसमें स्टील लगा है, आरसीसी लगा है। और ये क्या करता है, जब सॉइल का प्रेशर यहाँ से इस स्टैम पे लगेगा, स्टैम उस तरफ जाएगा, लेकिन ये काउंटर फोर्ट इसको फुल करके रखे और पूरा लोड अपने ऊपर ट्रांसफर कर ले, और उसके बाद ये हील स्लैब के थ्रू यहाँ बेस में, बेस से बेस से ट्रांसफर कर ले। तो ये काउंटर फोर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं कुछ डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, 3 मीटर 4 मीटर की डिस्टेंस होती है कि एक हमने प्रोवाइड किया, उसके बाद 3 मीटर के बाद दूसरा किया, देन 3 मीटर के बाद तीसरा किया। तो जितना भी लोड इसके ऊपर आता है इस स्टैम पे, और आप ये पूरा का पूरा लोड जो है वो स्टैम से काउंटर फोर्ट पे ट्रांसफर होता है, काउंटर फोर्ट से आप ये हील के थ्रू अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे सबसे वाला फायदा है कि यहाँ पे आपको स्टैम की थिकनेस आप बढ़ाने की जरूरत नहीं, हाइट बढ़ भी रही है, क्योंकि अब ये काउंटर फोर्ट के साथ अटैच हो गया तो अब ये कैंटिलीवर पोर्शन नहीं रह गया, ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस स्लैब की तरह बिहेव करने लगता है। सो इससे आपकी जो हाइट है वो आप बढ़ा भी सकते हैं और स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल भी रहेगा, तो इसे आपको काउंटर फोर्ट रेटेनिंग वॉल बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और टाइप की वॉल होती है जिसको हम बटरेस वॉल बोलते हैं। ये सेम काउंटर फुट वॉल होती है, सिर्फ डिफरेंस इतना है काउंटर फुट में हम जो काउंटर फुट प्रोवाइड करते हैं वो हील साइड में प्रोवाइड करते हैं, बट बटरेस में हम उसको टो साइड में प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बटरेस वॉल बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बटरेस वॉल मोस्टली प्रोवाइड नहीं की जाती, बिकॉज क्या होता है कि जो टो वाला एरिया होता है वो यूजफुल एरिया होता है, वो ओपन एरिया होता है जो आपके साइड में आएगा। तो अगर मैं वहाँ पे काउंटर प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ का जो एरिया है वो मेरा बेस चला जाएगा, तो हम ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं हील साइड। तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हम बनाते हैं, बट हम बटरेस वॉल प्रैक्टिकली नहीं बनाते, क्योंकि जो टो का एरिया है वो आपका बेस चला जाता है आर्किटेक्ट व्यू से। तो उस एरिया को यूजफुल रखने के लिए हम लोग काउंटर फोर्ट जरूर बनाएंगे, बट हम बटरेस नहीं बनाते, तो मोस्टली आपको बटरेस वॉल देखने को बहुत कम केसेस में मिलेगी। सो ये आपकी टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल हो गए। अब इसके बाद हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल की बात करेंगे, प्रेशर्स की बात करेंगे, एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर्स की हम बात करेंगे, एक्सेट्रा जो हम हैं वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।